नाम का एक मूर्ख पीला कौवा घूमता था। एरिया अपनी चालाकी और तेज बुद्धि के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, जो अक्सर अपनी चतुर योजनाओं से जंगल के दूसरे जानवरों को मात दे देती थी। दूसरी ओर ओरिन हमेशा आसानी से मूर्ख बनने और सरल चालों में फंसने के लिए जानी जाती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा रहस्य घूम रहा था। जानवरों को एक छिपे हुए खजाने के बारे में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जो जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था, जो प्राचीन जादू से सुरक्षित था और भयानक जीवों द्वारा संरक्षित था। कई लोगों ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसके रहस्यों को उजागर करने में सफल नहीं हुआ था। रहस्य से रोमांचित एरिया ने खजाने को खोजने के लिए एक खोज पर निकलने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जरूरत होगी, जो पेड़ों से ऊपर उड़ सके और जंगल को एक अलग नजरिए से देख सके। इसलिए उसने ओरिन से संपर्क किया और साझेदारी का प्रस्ताव रखा। ओरिन, जो हमेशा रोमांच के लिए उत्सुक था लेकिन बुद्धि की कमी थी, वह आर्या की खोज में शामिल होने के लिए तुरंत तैयार हो गया। साथ में वे जंगल की गहराई में निकल पड़े, सुरागों और पहेलियों का पीछा करते हुए जो उन्हें छिपे हुए खजाने तक ले जा सकते थे। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर गए, आर्या ने सुरागों को समझने और उनके रास्ते में आने वाली मुश्किल बाधाओं को पार करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। इस बीच ओरिन बिना ज्यादा सोचे समझे बस उनके पीछे पीछे चलता रहा, चिल्लाता रहा और अपने पंख फड़फड़ाता रहा। आखिरकार कई परीक्षणों और क्लेशों के बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुँच गए, जहां उन्हें एकांत ग्रोव में छिपा हुआ खजाना मिला। आर्या ने अपनी तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए अंतिम पहेली को हल किया और उस जादू को खोल दिया जो खजाने की रक्षा करता था। जैसे जैसे खजाना धूप की किरणों में चमक रहा था, ओरिन उत्साह से चिल्ला रहा था और अपनी खोज के महत्व से पूरी तरह अनजान गोल गोल घूम रहा था। आर्या चालाकी से मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि यह उसकी चतुराई ही थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई थी, और इसलिए चतुर लोमड़ी और मूर्ख पीला कौवा जंगल में लौट आए। उनका रोमांच रहस्य में डूबा हुआ था, लेकिन उनकी साझा जीत ने उनके बंधन को मजबूत किया। और भले ही ओरिन मूर्ख था, लेकिन वह हमेशा अपने साथ आर्या को रखेगा, जो उसे उसके चालाक तरीकों से मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि मिथकों और कीवदंतियों की दुनिया में सबसे अप्रत्याशित साथी भी थोड़ी सी चतुराई और जादू के साथ महान खजाना पा सकते हैं।